पूर्ण झालेल्या या सर्वेक्षणामध्ये मंदिर असल्याचे भक्कम पुरावे हाती आल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू जैन यांनी केलेला आहे. एका तलावातील पाणी काढल्यानंतर तिथं शिवलिंग सापडल्याचं जैन यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्याशी बातचीत केलेली आहे आमचे प्रतिनिधी विशाल यांनी. ये जो सर्वे की कार्रवाई थी उसमें बहुत अच्छा साक्ष्य कलेक्ट हुआ है और आज जो वजू खाने में जो एविडेंसेस मिले हैं उसको सील करने के लिए हमने मांग की थी जिसमें कोर्ट ने आदेश पारित किया. अच्छा, हम आदेश की कॉपी भी देख रहे थे तो उसमें ये कहा गया कि नमाज पढ़ने को लेकर भी जो है आपने संख्या जो एक ज्यादा संख्या ना हो. सिर्फ इतना कहा है कि उस एरिया को हम सील कर रहे हैं. उस एरिया को पूरा सील कर रहे हैं, मतलब खाने को सील कर रहे हैं, वहाँ कोई नहीं जा पाएगा. अब नमाज वहाँ पर नहीं हो पाएगी? नमाज तो वजू खाने में कभी भी नहीं होती. पीछे की तरफ जो होती थी मस्जिद में होती है. कोर्ट ने ये कहा है कि उस एरिया को सील कर दें और CRPF कमांडेंट को कहा है कि उस एरिया की जिम्मेदारी उनकी होगी और पुलिस अधीक्षक DGP उसको मॉनिटर करेंगे. शिवलिंग आकार कितना होगा विष्णु? 12 फुट बाय 4 फुट का वो डायमीटर है, परिधि है उसकी, और 3 फुट तक गहरा शिवलिंग. अच्छा, पहले नहीं दिखाई दिया था तो वहाँ पानी भरा था तो क्या कुछ पानी हटा के उसको देखा गया? तो पहले क्या मतलब कुछ मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि पानी नहीं हटाया जाए, मछलियाँ मर जाएंगी. मछलियाँ मर जाएंगी, ये फुहारा है. तो उसको जब हटा के देखा गया तो वहाँ पे शिवलिंग मिला. मतलब जो रहस्य था वो रहस्य पे पर्दा उठ गया है. जी. अच्छा, ये रिपोर्ट जो है कब तक जो है कोर्ट में जाएगी? कल जो पूरा सर्वे एडवोकेट कमिश्नर साहब बताएंगे वो कब रिपोर्ट सबमिट करेंगे. लाल मातीतली कुश्ती म्हणजे